अपनी मनपसंद मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा फिल्मी को और बेल आइकन को दबाएं। वर्तमान से परे होती हैं। ये कहानी है ऐसे ही वीर साहसी और देशभक्त कर्मनिष्ठ पुरुष की, जिसने अपने साहस और लगन से ना सिर्फ देश की आजादी में अपना योगदान दिया, बल्कि गरीबी और परेशानियों से जूझते हुए देश का प्रधानमंत्री पद हासिल किया और अपना नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा दिया। ये कहानी है गुदड़ी के लाल लाल बहादुर शास्त्री जी की। विश्व के दिल पे राज करने, हाँ एक नया इतिहास रचने, ओ विश्व के दिल पे राज करने, एक नया इतिहास रचने, सत्य अहिंसा प्रेम के पथ पे, ओ सत्य अहिंसा प्रेम के पथ पे, देश प्रेम के गहनों से सज के चली है भारत माँ, ओ सज के चली है भारत माँ, देश प्रेम के गहनों से सज के चली है भारत माँ। एकता का संदेश लिए यहाँ बहती है यमुना गंगा, गर्व से लहराता है देखो हिमालय पे तिरंगा,
ताजमहल लाल किला भारत की शान बढ़ाए हो, प्रांत अनेक भाषा अनेक फिर भी हम एक कहलाए। कल के सपने सुनहरे ओ, कल के सपने सुनहरे आँखों में सजा के शान से सज के जली है भारत माँ, ओ, 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 सज के जली है भारत माँ, सज के जली है भारत माँ, देश प्रेम के गहनों से सज के जली है भारत माँ। देखे आँख उठा के ऐसी किस दुश्मन की मजा, सरहद पे तैनात है हर पल भारत माँ के लाल, देशभक्त वीरों से भरी है भारत माँ की झोली, हंसते हंसते खाते हैं फौजी अपने सीने पे गोली। याद शहीदों की दिल में सजाए, सज के चली है भारत माँ। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। अब होनी को कौन डाल सकता है बेटा? माना कि वो अभी संसार में नहीं है, लेकिन लेकिन मैं अभी जिंदा हूं बेटा, तेरा बाप अभी जिंदा है। हाँ, उसके जाने के बाद तू बहुत अकेली हो गई है, तीन तीन बच्चों की जिम्मेदारी, उनकी पढ़ाई लिखाई, बेटा बेटा तू अकेली ये बोझ नहीं उठा पाएगी। अब लेकिन लेकिन कुछ नहीं बेटा, उसके जाने के बाद मन बहुत उदास हो गया है बेटा, हर समय ये तुम लोगों के लिए बेचैन रहता है। बेटा घर चल, घर चल बेटा, घर चल। बेटा वहां चलकर सब लोगों के बीच तेरा दुख भी कम हो जाएगा। अरे वहां भीड़ भाड़ में बच्चे भी अपने आप में अच्छा महसूस करेंगे। हाँ, अरे नन्हे के बारे में तो सोच।
नन्हे। जी माँ। माँ, माँ, नाना जी गुजर गए। कौन सा खेल है भैया? नन्हे ये हॉकी है। भैया हम भी खेलें ये खेल। नहीं नन्हे, ये खेल हम नहीं खेल सकते। ये खेल केवल वही खेल सकते हैं जिनके पास ये हॉकी और बाल है। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम ये हॉकी और बाल खरीद सकें। भैया इंसान जब ठान ले तब का नहीं कर सकता। भले ही हमारे पास पैसे नहीं है इसका मतलब इतना ही है कि हम ये खेल ना खेल सके। लेकिन कैसे छोटे? हम अपनी हॉकी खुद बनाएंगे। आरी दो। काफी जिम्मेदार हो गया। कहीं किसी ने कुछ कहा तो नहीं था? रात होगी बेटा, अब सो जाओ। नहीं माँ, आज ही पाठ खत्म करके तबे सोऊंगा। नन्हे कहाँ बात है बिटवा? हम कल से देख रहे हैं कि तुम कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हो हमको। किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं माँ, कोई कुछ नहीं कहा। क्यों कहेगा? अब मैं जो बड़ा हो रहा हूँ, अब खूब पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनना है। अरे बाप, ये तो बानरों की पूरी सेना है। ए, रुक जा, रुक, बताते हैं तुम लोगों को, रुक, एक एक को नहीं छोड़ेंगे। ए, कहां भाग रहे हो? ए, रुक रे। आम खाइए। अच्छा, ये तो ऊपरे है। आवा आवा नीचे, बतावा थी तोरा के। आवा नीचे आओ। पकड़ लिया हैं? अब है रोवत हवा और चोरी करत समय नहीं सोचा हैं? मालिक काका, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पिताजी नहीं है। सच बोल रहा है?
बेटवा, तोहार बाबूजी नहीं है तब तो तुमको और भी ध्यान देना चाहिए। ये सब चोरी चकारी ये बुरे कामों से दूर रहना चाहिए और तुम्हें अपना ध्यान पढ़ाई लिखाई पर लगाना चाहिए ताकि तुम पढ़ लिख कर बड़े अफसर बन सको। आज हम तुम्हें छोड़त हैं, लेकिन एक वादा करो, आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे तुम्हारी माँ को शर्मिंदा होना पड़े। मैं बड़ा अफसर बनूंगा। माँ, माँ, माँ। अरे का बाबा बिटवा? बेटवा को आशीर्वाद दो राम दुलारी, पहले दर्जे से पास हुआ है नन्हे। अरे वाह। हाँ, सारे अध्यापक इसकी बहुत बड़ाई कर रहे थे बिटिया। मेरा राजा। इतनी सी बात पर तू काहे चिंता करती है रे? जैसे राम जी अभी तक पार लगाए हैं वैसे आगे भी लगा देंगे। आप एकदम ठीक कह रहे हैं काका, पर एक बात आप भी जानते हैं कि हम कायस्थों के लिए पढ़ाई लिखाई कितना जरूरी है। काका, एक बात आई है हमरे मन में। का? काहे ना नन्हे को हम पढ़ाई खाते बनारस वाले भैया के घर भेज दे। हाँ हाँ। अगर वो हाँ कह देंगे ना तो नन्हे की कॉलेज तक की पढ़ाई के लिए हम एकदम चिंता मुक्त हो जाएंगे। कहा कहते हैं आप? ख्याल तो अच्छा है, वो मान भी जाएगा। भैया नन्हे का ध्यान सोने के लायक नहीं हो। जाओ जाकर सुखुआ के कमरे में सो। सुखुआ? सुने नहीं क्या? जाओ। हाँ हाँ जाओ। क्या हुआ? उन्हें खेलने दो, तुम जाकर चीनी लेकर आओ। अब उन्हें ही निहारते रहोगे का? ये लो ये पैसे और जल्दी लेकर आओ। अरे अब जाओगे भी? बड़े आए
कलेक्टर बनेंगे। बाप दादा ने बड़ी पढ़ाई की थी। अरे खाते का ही नहीं तुम दोनों, खाओ ई लो, हम खिलाते हैं अपने हाथों से। खाओ मेरे लाल खाओ। अच्छे से खाओ, जब आते नन्हे जल्दी जल्दी पी लो, होशियार हो गए। हाँ पियो। बच्चों के पेट में दर्द ना हो जाए। का अब का हुआ? ओ तो राजकुमार साहब के पेट में तो ये खाना धसेगा नहीं। सेहत के लिए ये खाना अच्छा है, चुपचाप करके खाओ। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तूफान मचा रहे हो रात को? अरे कुछ बोलोगे भी? वो सुखुआ है ना, उसको काफी देर से उल्टियाँ हो रही हैं। ओ, लगता है उसे हैजा हो गया। ये बीमारी बहुत फैली हुई है आजकल। तो तनिक ठहरो, आते हैं हम। ये लो, ये दवाई उसको पिला देना, ठीक है? और ठहरो, रात भर सोइएगा नहीं, उसकी देखभाल में जगे रहना, समझे? चलो जाओ जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। चलो जी। तनिक जाके सुखवा के कमरे की सफाई कर दो, और हाँ उके कपड़े और बिस्तर भी साफ कर देना, ठीक है? पर मामी उसे तो हैजा हुआ था, कहीं मुझे भी हो गया तो? तू इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, और अभी बहाने छोड़ो, जाके सफाई करो। पर मामी। कहा ना, जा। नहीं माँ, तुम रो मत। नरक से जिंदगी जीनी पड़ रही है। नहीं माँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। तुमको ये हालत में देखकर भी ना आप लाल को यहाँ छोड़ना, ये गरीब माँ की मजबूरी है बिटवा।
तुम्हारे भविष्य की खातिर हमारे पास और कौन है दूसर बना ये बिटवा माँ, तुम रो मत माँ, हम यही रहेंगे और पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेंगे। बच्चों, इस देश को एक से एक वीरों ने अपने बलिदान और लहू से सींचा है। वर्तमान समय में हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इस पर गोरे राज कर रहे हैं। इस देश का नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करें। अरे लाल बहादुर, सुनो, कल प्रदर्शनी में आ रहे हो ना? क्या हुआ? मेरे लिए एक आना लाना मुश्किल होगा गुरुजी। कोई बात नहीं, तुम बिना एक आना लिए आ जाना। नहीं, यदि मैं एक आना नहीं दे रहा हूं तो मुझे आने का कोई अधिकार नहीं बनता। यदि मैं आदेश दूं तब भी नहीं बनता। आऊंगा। शाबाश। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध करा था। अपने वीरता और शौर्य के बल पे इन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे और उसी युद्ध में ये वीरांगना वीरगति को प्राप्त हुई थी। आचार्य जी, इनका नाम मंगल पांडे है। 1857 की क्रांति में बैरकपुर में इन्होंने ही सर्वप्रथम अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका था। शाबाश। इन महापुरुषों के बारे में हमें केवल जानना ही नहीं है, उनसे प्रेरणा भी लेना है। घर आ गया। अरे, मेले से आ गए आप? हाँ, आ गए। नमस्ते। जीते रहो। पहचाना इसे? ये लाल बहादुर है ना? बिल्कुल सही पहचाना। हमारे लिए मिठाई और पानी ले आओ, बहुत प्यास लगी है। जी, अभी लाई। चलो अंदर। आचार्य जी, मुझे आज्ञा दीजिए, रात हो रही है। अरे रुको, खाना खा के जाना। भाभो। जी नहीं, आज नहीं, फिर कभी। मुझे क्षमा कीजिए आचार्य जी। ठीक है, खुश रहो। अच्छा आचार्य जी। आप बता रहे थे कि ये अपने माँ मामी के साथ रहते हैं। हाँ, मामा मामी के साथ ही रहता है बेचारा, इसके पिता भी नहीं है। मन बड़ा पछता रहा है, न जाने वो खाने को पूछेगी कि नहीं। खाना खाकर जाता तो बहुत अच्छा होता। लाल बहादुर एक स्वाभिमानी बालक है, वो ऐसे किसी से सहायता लेना पसंद नहीं करता। पढ़ाई में बहुत होशियार है, वो हमेशा सबसे आगे आता है। जी, मैं कह रही थी। क्या हुआ? जी, मैं कह रही थी, अगर लाल घर पर आ जाए बच्चों को पढ़ाने, तो इस बहाने में उन्हें कुछ ना कुछ खिला दिया करूंगी और उनकी आर्थिक मदद भी हो जाएगी। और फिर आप ही तो कह रहे थे वो होशियार हैं। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी भावो। मैं कल ही कक्षा के बाद उससे बात करूंगा, मेरी बात कभी नहीं टाल सकता वो।
दिखाओ। अरे तुमने गलत कर दिया बहन, किसी भी सवाल को हल करने से पहले उसे समझना जरूरी है। ये देखो, 2 + 3 कितना हुआ? 5। अच्छा, 5 + 6 कितना हुआ? 7, 8, 9, 10, 11। गुरुजी ये तो बहुत सरल था। जी हाँ, अब इसे दोहरा लो। चलो बच्चों, जलपान ग्रहण करो। चलो, बहुत हो गई पढ़ाई। चलो हम पहले खाएंगे। रुक जाओ, हम भी खाएंगे। छोड़ो, रुक जा। ये लो। नहीं नहीं लाल, ये तो तुम्हें खाना ही होगा। नहीं, मैं तुम में और अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं करती। तुम ये समझ लो, तुम मेरे बेटे ही हो और तुम्हें अब भोजन करना ही होगा। अरे नहीं, कैसे? अब ना मत करो, चलो खाओ। खाओ। खाओ ना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तुम्हें जो पाठ दिया है उसे पूरा करके रखना, ठीक है? लाल रुको, ये लो रखो। ये क्या? अरे कुछ भी नहीं, बस छोटी सी भेंट है, वो जो तुम बच्चों को पढ़ाते हो उसके लिए। आप मुझे अपना बेटा भी कहती हैं और ये पैसे भी दे रही हैं, ये कहाँ का न्याय हुआ? मैं पढ़ाऊंगा तो बिना पैसों के। अभी गुल्लक में डाल देती हूँ, जब जरा समझूंगी तब निकाल कर दे दूंगी। हम लोग बहुत घूम लिए, अब चलना चाहिए। कितना हाँ, मजा आया मेले में। क्या सोच रहे हो, घर चलें? क्या हुआ लाल? क्या हुआ? मेरे पैसे। तुम लोग जाओ, मैं कुछ रुक कर आऊंगा। अरे लेकिन नहीं, ठीक है, रुक कर आऊंगा। चलते। आवा हो भैया, अरे वो भयंकर तूफान आवत रहा। अरे पैसा नहीं देना। अरे जल्दी आओ, आओ जल्दी, जल्दी जल्दी, तूफान आ रहा है लाल, जल्दी आओ। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। वही तो मैं कहना चाहता हूँ। तिलक जी आ रहे हैं। क्या तिलक जी आ रहे हैं? अभिव्यक्ति तथा जीने की आजादी हमसे कोई छीन नहीं सकता, इसके लिए हम अनवरत संघर्ष करते रहेंगे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो हम लेकर ही रहेंगे। जलियांवाला बाग मैसेकर, 400 लोगों को गोलियों से मार दिया। इन अंग्रेजों का अत्याचार तो समस्त सीमाएं पार कर गया। भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंग्रेजों, भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो भारत माता की जय। अभिव्यक्ति तथा जीने की आजादी हमसे कोई छीन नहीं सकता, इसके लिए हम अनवरत संघर्ष करते रहे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो हम लेकर ही रहेंगे। भाइयों, अब समय आ गया है, हमें अपने निजी कामों को छोड़कर राष्ट्रहित के लिए कार्य करना चाहिए।
जिस तरह से जलियांवाला बाग में अंग्रेजी सिपाहियों ने निहत्थों, बेगुनाहों, स्त्रियों एवं बुजुर्गों पर भी गोलियां बरसाई, इसका हमें पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए और हम करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाइयों, गांधी जी ने शांतिपूर्वक आंदोलन किया अंग्रेजों का बनाया हुआ नमक का कानून तोड़कर, और अब वो आंदोलन कर रहे हैं हम पर लादी हुई विदेशी वस्तुओं और विदेशी वस्त्रों के खिलाफ, उसका बहिष्कार करके, ताकि हमारे लघु उद्योगों को बचाया जा सके, अन्यथा हमारे लघु उद्योग समाप्त हो जाएंगे। हमें इस आंदोलन में गांधी जी का साथ देना चाहिए, विदेशी वस्तुओं और विदेशी वस्त्रों का त्याग करके। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता के जय। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता के जय। महात्मा गांधी जिंदाबाद, भारत माता के जय। अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी जिंदाबाद। थोड़ा भी एहसास है तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का? नालायकों के साथ रहकर नालायक हो गए हो, यहाँ पर यही सब करने आए हो? तुम्हारी पढ़ाई को लेकर वो कितने कष्ट में है कभी सोचा है तुमने? माँ, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या लगता है माँ, मैं गलत हूं? अरे हमरा लाल तो कभी गलत नहीं हो सकता। बस हमेशा ई बात का ध्यान रखो बेटा, जौन कदम आगे बढ़ाए हो ना, उका पीछे मत रखियो, बस समझो कि नहीं। मेरे मन पर एक बड़ा बोझ था माँ, अब मैं हंसी खुशी मातृभूमि की आजादी की लड़ाई में कूद सकूंगा। माँ आशीर्वाद दो। माँ जी तेरा, खुश रहो हमेशा। हम अपने ही देश में सभी अधिकारों से वंचित हैं। उन सभी अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अब समय आ गया है कि हम अपनी लड़ाई आरंभ करें। परंतु हमारी इस लड़ाई में हिंसा का कोई भी स्थान नहीं होगा, लेकिन हम अहिंसा की ताकत से भी अपनी बात मनवा कर रहेंगे। अब हम आखिरी सांस तक चुप नहीं बैठेंगे। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। पढ़ लिख कर इन अंग्रेजों की गुलामी करने से तो अच्छा हमें पढ़ाई छोड़कर अहिंसक आंदोलन में शामिल हो जाना चाहिए। आप सब क्या कहते हैं? बेशक, गुलामी से बेहतर अपने देश के लिए अपना सब कुछ अर्पण करना। मैं भी यही चाहता हूं। देशवासियों, जब तक पूरा देश एक साथ इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग नहीं देगा, तब तक ये अत्याचारी सरकार सुनने वाली नहीं है। इसलिए आप सभी को इस आंदोलन को अपने तन मन धन से सफल बनाना होगा। आप सबका उत्साह देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं, अब समय आ गया है कि हमें
अपने खून का कतरा कतरा अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित करना होगा, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, भारत माता की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय, महात्मा गांधी जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, अपना भविष्य बर्बाद मत करो। खैर, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए तुम्हें छोड़ा जा रहा है। अब आंदोलन शांत पड़ गया है। तुम्हें पढ़ाई के लिए काशी विद्यापीठ में अपना नामांकन करा लेना चाहिए। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, पढ़ाई जारी रखो। ये राष्ट्रीय संस्था है उन्हीं लोगों के लिए जिनकी पढ़ाई अधूरी रह गई है। जो आज्ञा। अपना नामांकन भरो और मुझे बताओ। जी। संदूक में क्या है, कहां लेके जा रहे हो इसे? मुझे मतलब अभी बताता हूं देशद्रोही। भगत सिंह जी, ये तो चंद्रशेखर आजाद हैं। अरे आजाद जी, रामप्रसाद जी, आपने मुझे मेरे खाली समय में काम देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इससे मेरी पढ़ाई का हर्जा भी नहीं होगा और मेरा खर्चा भी चलता रहेगा। नन्हे, नन्हे, कैसा ना बिचवा? अच्छा हूँ माँ। बनारस से कितनी दूर से तुमको पैदल चल के आना पड़ा था। हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि अपने लाल को एक साइकिल खरीद के दे सके, और ना ही इक्के का भाड़ा। अरे नहीं माँ, अब ये समस्या बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर एक कमरा किराए पर लिया है जिसमें ऐसे छात्र रहेंगे जो छात्रावास का शुल्क नहीं दे सकते। माँ सच्ची? जी माँ। बस बस। आजाद जी, आप तो इतने बहादुर हैं, फिर इतने उदास क्यों हैं? भगत, हमारा संगठन छिन्न भिन्न हो गया है, हमारे कई साथी पकड़े जा चुके हैं। जो सपना मैंने देखा था धीरे धीरे मुझे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है।
आजाद जी, आप अपने मन को छोटा मत करिए। हम सब मिलकर अपना संगठन फिर से खड़ा करेंगे और भारत माँ को आजाद करने का सपना जरूर पूरा होगा। देशभक्त दे हंस के बलिदान, इस देश में अद्भुत है शक्ति, इस देश की चंदन सी मिट्टी, मेरे देश को दुनिया करे प्रणाम। हो इसका कोई हिसाब नहीं, मेरे देश का जवाब नहीं, मेरे देश का जवाब नहीं। यहाँ लगते शहीदों के सेठ जी, मेरे विद्यालय का समय हो गया है, मैं विद्यालय जाऊं। हाँ, रुको। धन्यवाद। पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी करता है, एक दिन ये लाल जरूर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आदरणीय माँ, प्रणाम। माँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरी बहन की शादी के लिए एक एक पैसा जोड़ रही हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे भेज रहा हूँ, हालांकि उसमें मेरा योगदान नाम मात्र का है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहता। आपका लाल बहादुर। साल हमारे महाविद्यालय से दो छात्र प्रथम आए हैं। इन्होंने दर्शन शास्त्र में प्रसिद्धि प्राप्त की है। इन दोनों को शास्त्री की उपाधि प्रदान की जाती है। और सबसे पहले लाल बहादुर। आज मैं बहुत खुश हूँ, अपनी मातृभूमि की सेवा करते हुए इस उत्तम वातावरण में हमने अध्ययन प्राप्त किया। मैं गांधी जी से प्रेरित होकर जाति प्रथा का विरोध करता हूँ, इसलिए मैंने अपने नाम के आगे से
अपना जाति बोधक शब्द हटा दिया है और आज मुझे जो ये शास्त्री की उपाधि मिली है इसे मैं जीवन पर्यंत अपने नाम के आगे लगाता रहूंगा। जय। अरे उसकी क्या बात करती है, लड़का हो तो दुलारी के बेटे लाल जैसा, कितना सुशील और संस्कारी लड़का है। अरे यहाँ का पूरे मिर्जापुर में उसकी काफी चर्चा है। अरे बड़ा देशभक्त नेता है और भाषण तो ऐसा देता है कि बस पूछो ही मत। हाँ तू देखी उसे? पिछले हफ्ते मुन्ने को बाजार लेकर गई थी ना। हाँ। तो बाजार में उसका भाषण चल रहा था। अच्छा? अरे बड़ी खचाखच भीड़ थी तो मैं भी एकदम खड़ी होकर सुनने लग गई। और क्या। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या बात चल रही है? लाल बहादुर की लाल मणि के लिए। लाल बहादुर अच्छा लड़का है लेकिन अपनी लालमनी के लिए अच्छा नहीं है। हम उसके लिए अच्छा वर्ड ढूंढेंगे। तुम उसकी शादी की बात मत करना। दो तीन अच्छे लड़के पता चले हैं मुझे। मैं कल ही पड़ोस के गांव में जाऊंगा उनको देखने के लिए। हे भगवान, जब आपने मेरा वर वरण किया तो फिर ये कौन सी लीला रच रहे हो? क्या मेरी भक्ति में कोई चूक हुई भगवान? माँ, वो लड़के वाले तो दहेज के लिए इतना मुंह फाड़ रहे हैं कि उनके यहाँ संबंध बनाना संभव नहीं हो पाएगा। तो अब क्या होगा बेटा? अब तो लगता है कि लालमणि के भाग में लाल बहादुर का रिश्ता ही लिखा है। तो मैं तो कहती हूँ देरी नहीं करनी चाहिए। मैं अभी बात करती हूँ उससे। नहीं माँ, एक बार आपको मुझसे पूछना चाहिए था ना। दरअसल बात ये है नन्हे कि लालमणि हमका भी बहुत पसंद थी और वो भी तुझे पसंद। खैर हम वरिच्छा तो कर लेंगे लेकिन शादी 25 बरस की उम्र में ही करेंगे। लेकिन नन्हे, और हाँ उनसे कह दीजिएगा कि हमें दहेज में सिर्फ चरखा और कुछ सूत चाहिए। ओम आनो भद्राः क्रतभोजन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमित्व्रदे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्राः सुमद्रजूयतां देवानग्गुरादिरविनो निवर्तताम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं करणेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्राः। वर वधु अब सातों वचनों को लेंगे। पंडित जी जल और अक्षत दीजिए, मैं अपने वचन खुद बोलूं। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, पुरोहित जी जो है सातों वचनों को बोलते हैं। दीजिए पंडित जी। जजमान की जैसी इच्छा हो। मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। Thank you.
आओ लालमणि। बहुरिया, आज से हमारी बहुरिया का नाम होगा ललिता देवी। जीती रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो, दूध नहाओ, पोत नहाओ। चलो। डाक। का है नन्हे? अरे कुछ नहीं माँ, वो इलाहाबाद से बुलावा आया है। इलाहाबाद? हाँ माँ। अरे भाई, तो नई नई शादी भाई है तुमने, बाद में चले जाना, बोल दो उनको। नहीं माँ, जाना ही पड़ेगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए माँ, वहां सब व्यवस्था हो जाएगी। बापू, आपने कर्ज चुकाकर जो मेरी सहायता की है, उसके लिए मैं आपका और सेठ जमुना दास का ऋणी हो गया हूं। ऋणी तो आपका सारा देश है राजेंद्र। आपने अपना सारा जीवन इस देश को समर्पित किया है। अभी ये संघर्ष जारी है, किंतु घर गृहस्थी की चिंता से मुक्त हुए बिना ये कहां संभव था। ये बात तो सत्य है बापू, जब तक अंग्रेज हमारा देश छोड़कर चले नहीं जाते, ये संघर्ष जारी रहेगा। बापू, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरे कर्ज के बारे में मेरे कुछ निजी मित्रों को ही पता था, पर आपने, जब महादेव ने मुझे बताया कि आप कांग्रेस के सभापति पद ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हो, तो मैं बेहद चिंतित हो गया। चिंता का कारण? इस समय देश की दशा और दिशा दोनों कांग्रेस पर निर्भर है। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस में आप जैसे प्रतिभावान लोग आगे आकर जिम्मेदारी लें। कांग्रेस में हर नेता फैसले लेने में सक्षम हो। इस बार सर्वसम्मति से यह तय हो चुका था कि यह जिम्मेदारी आपको सौंपी जाए, परंतु आप जैसे कर्मनिष्ठ जो आगे आकर जिम्मेदारी लेते हो, वो पीछे हटे, तो सोचना जरूरी था। अमृत पीने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मेरे पास अकेले राजेंद्र बाबू ही तो हैं जहर पीने वाले। वो जहर से घबरा जाएं तो अंग्रेजों, भारत छोड़ो, महात्मा गांधी जिंदाबाद, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों, भारत छोड़ो, अंग्रेजों, भारत छोड़ो, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों। चाहे कितनी भी तकलीफें आए, ना रोना और ना ही घबराना। इस आजादी के संघर्ष में मुझे हर वक्त तुम्हारे सहारे की जरूरत है। जिंदाबाद, भारत छोड़ो, जिंदाबाद, जय। माँ, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा।
और हाँ, बच्चा होने तक बहन को घर पर ही रोक लिया। चलो, समय खत्म हो गया। अपना ख्याल रखना बेटा। जी माँ, आप मेरी चिंता मत करिए। मेरा बच्चा, ध्यान रखना। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। मैं आपसे आज एक सवाल पूछने आया हूं। पूछो। क्या हम भारत माँ के सपूत नहीं? बिल्कुल हो, हम सब भारत माँ के सपूत हैं। माना कि हम सब हिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजाद कराना चाहते हैं और आप सब बापू के अहिंसा के रास्ते पर, लेकिन हमारा लक्ष्य एक है। फिर हमें देशद्रोही क्यों समझा जाता है? हमारे 3 साथी फांसी पर चढ़ चुके हैं, कई साथी जेलों में कठोर यातनाएं भोग रहे हैं और हमें हर जगह से उपेक्षा झेलनी होती है, क्यों? आजाद, मेरे पास तुम्हारी इन बातों का कोई जवाब नहीं। बस इतना कहूंगा कि बापूजी के सत्य और अहिंसा का रास्ता इस अंग्रेजी सरकार को पिघला कर रख देगा। आपके पास आ ही गया, फिर आप रसिया क्यों नहीं चले जाते? नहीं राजा, इस वक्त हमारा संगठन छिन्न भिन्न हो गया है और ऐसे समय में विदेश जाना कायरता होगी। मुझे अपनी मातृभूमि की लड़ाई अपनी मिट्टी पर ही रहकर लड़नी है। और तुम एक काम करो, ये पैसे तुम राजगुरु की मां को दे देना, उसकी मां को सख्त जरूरत होगी। रुको, तुम यहां से जाओ राज। लेकिन मैंने कहा ना जाओ। तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ। मुझे माफ करना मां, मैं तेरी रक्षा नहीं कर सका। याद शहीदों की दिल में सजा
सज के चली है भारत प्रसाद जी, मुझे मालूम है कांग्रेस की स्वर्ण जयंती रिपोर्ट लंदन पहुंची, उसके फलस्वरूप उन्होंने हमारी मांगे मानते हुए गुलाम भारत में पहली सरकार बनाने का रास्ता खोल दिया है। और हाँ, मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि तमाम फैसलों का अधिकार उन्हीं के हाथ में होगा, लेकिन फिर भी उनका हाँ कहना ही हमारे लिए एक नई शुरुआत है। बिल्कुल सही है, आप कांग्रेस के सीनियर नेताओं में से हैं और सभी आपको प्यार करते हैं। आने वाले इलेक्शन में हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। बिल्कुल, और सभी ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़कर इसका नेतृत्व करें। कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते आप जो भी जिम्मेदारी मुझे देंगे, मैं उसे पूरी तरह निभाऊंगा। धन्यवाद जी। राजेंद्र, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में आपका काम सराहनीय है। बापू, ये सब आपके मार्गदर्शन का परिणाम है। आप नीलकंठ हो मेरे। सारे विष पीकर अपने देश को आजाद करवाना होगा। लेकिन एक काम बहुत अच्छा किया आपने राजेंद्र बाबू। क्या पंत जी? हमारे कांग्रेस में अपना स्थायी कार्यालय नहीं था, ये सिर्फ आपके प्रयास से ही संभव हो सका है। इसमें तो विजय जी और भाई नेहरू ने सहयोग दिया है। प्रसाद जी, स्वराज भवन का जिस तरह से आपने उपयोग किया है वो बड़ा सराहनीय है। प्रसाद जी, बापू आपको ऐसे ही नीलकंठ नहीं कहते। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में आपका पहला ही भाषण ऐसा था जो सबको समान रूप से सही रास्ता दिखाने वाला था। हाँ बापू, प्रसाद जी के भाषण के बाद नरम और गरम दोनों ही दलों के लोग भाषण को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। मैं समझता हूँ भले ही गरम दल वाले सिद्धांत की वजह से हमसे मतभेद रखते हों, लेकिन हम सबको मिलकर इकट्ठे काम करना है। हम अपने प्रयास में तभी सफल होंगे जब हम सब एक हों। यह आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम आपस में मतभेद रखेंगे तो बाहर के लोग हमें कमजोर समझेंगे। जी। हम सबका यही प्रयास होना चाहिए कि जल्द से जल्द हमारा देश गुलामी की जंजीरों से आजाद हो जाए। बापू, आपकी प्रार्थना का समय हो गया है। इंदु मेरे हर नियम को याद रखती है। प्रणाम। जीते रहो। नमस्ते। 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 आइए। आपके शिष्य लाल बहादुर शास्त्री बहुत कर्मठ हैं। नेहरू जी भी बहुत तारीफ करते हैं उनकी। हाँ, मैं स्वयं अनुभव करता हूँ कि अब उसे बड़ी जिम्मेदारी देने का वक्त आ गया। जी। मैं चाहता हूँ कि लाल बहादुर इलाहाबाद कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालें। अरे, ये तो तुमने मेरे मन की बात कह दी। पंत जी, आप लाल को चुनाव लड़ने के लिए मनाइए, वो आपका बहुत आदर करता है, आपकी बात नहीं डालेगा। वो युवा है और देश के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। आज देश को ऐसे युवा और कर्मठ नेताओं की सख्त आवश्यकता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए प्रसाद जी, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा।
नमस्कार विजया जी। नमस्कार, बैठिए लाल जी। आपने मुझे याद किया, कोई गंभीर बात? बात भले ही गंभीर ना हो, लेकिन देश की परिस्थितियां आज ऐसी हैं कि जब तक देश आजाद नहीं होता वो गंभीर ही रहेंगी। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है लाल जी। आपको शायद पता हो, देश में जल्द पहले आम चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस के सभी बड़े बड़े नेता और श्री राजेंद्र प्रसाद भी चाहते हैं कि आप इस चुनाव का एक हिस्सा बने। किंतु परंतु कुछ नहीं, मैं जानती हूं कि आपने चुनाव ना लड़ने का कठिन प्रण लिया था, लेकिन इस गुलाम भारत में जो एक इस चुनाव के रूप में छोटी किंतु सुनहरी आस दिख रही है, हम उसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। पंत जी, नेहरू भाई ने भी राजेंद्र बाबू की इस बात का समर्थन किया है, और फिर आप ये बात भी तो सोचिए कि इस चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी उसमें हमारे ज्यादा से ज्यादा सदस्य जीत कर पहुंचेंगे, तो हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। तो ठीक है, जब आप सब ये चाहते हैं तो मैं भला मना कैसे कर सकता हूँ। लाल जी, हमें आपसे यही उम्मीद थी। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। बापू, वर्धा में जो बैठक हुई है उससे लोगों में बेचैनी बढ़ी है। मैं समझता हूं। अब समय आ गया है बापू कि हम लोगों को एक कड़ा संदेश दें। अब पानी सर से ऊपर चला गए हैं। हाँ बापू, पूरा देश आपके आदेश का इंतजार कर रहा है। अब तो करना है या मरना है। अपने देश की आजादी के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अब हमारा नारा होगा करो या मरो, और साथ ही अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी जी ने जो आह्वान किया है उसने पूरे देश में एक अलग जगा दी है। बापू ने जो करो या मरो का नारा दिया है, हमें उसी रास्ते पर चलना होगा। मैं जानती हूं कि बंबई अधिवेशन के बाद हमारे ज्यादातर नेता जेलों में बंद हैं, और ब्रिटिश पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई में हमारे हजारों लोग शहीद हो गए हैं। हम अपनी लड़ाई अहिंसात्मक रूप से जारी रखेंगे। इसके एवज में हमें जो भी कुर्बानी देनी हो उसके लिए तैयार रहना होगा। मैम, यू आर अंडर अरेस्ट। अंग्रेजों, 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 अंग्रेजों।
आपको गिरफ्तार किया जाता है। हमें लगता है कि जब तक एक एक व्यक्ति का सहयोग हमें नहीं मिलेगा तब तक अंग्रेजों को यहां से भगाना संभव नहीं है। हमें हर तरह से सरकारी तंत्र का सहयोग करने से बचना होगा, तभी हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। और अरे लाल, दरोगा इधर आ रहा है। आप लोग शांत रहें, मैं देखता हूँ। नमस्कार दरोगा जी। नमस्कार, नमस्कार। कैसे आना हुआ? बस शांति बने रहे इसलिए चक्कर काटने पड़ते हैं जी। तो कहिए जनाब, कब तक आपका बाहर रहने का इरादा है? जब तक आपकी मेहरबानी रहे। तो आज ही चलिए, ये रहा आपका गिरफ्तारी नामा। इसे रहने दीजिए, चलिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। महात्मा गांधी जिंदाबाद। अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो। देश के पहले राष्ट्रपति बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद। सर, आपको आज कैसा महसूस हो रहा है? इतिहास के इस अहम मौके पर मैं उन सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिनके योगदान से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये जीत बड़े लंबे संघर्ष और जद्दोजहद के बाद हमें मिली है, जिसमें न जाने कितने हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए या अपनी जिंदगी जेलों और इस संघर्ष में गुजार दी। मैं अपनी भक्ति और श्रद्धा महात्मा गांधी जी को समर्पित करता हूँ, जिनके दृढ़ संकल्प और मार्गदर्शन की वजह से आज हम सुखद और आज़ाद भारत में सांसें ले रहे हैं। गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा का एक अचूक हथियार दिया है, अब हमें नए भारत का निर्माण करना है जिसमें भय, दुख और गरीबी ना हो। गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए हमें अपने देश को प्रगति के पथ पर आगे लेकर जाना है। जय हिंद। तुम्हें यहाँ बहुत परेशानी हो रही है ना? वो तो है। तो हम लखनऊ चलेंगे। क्या? यहाँ तो खर्चा चलता नहीं, लखनऊ में कैसे चलाएंगे? पंत जी ने हमें बुलाया है, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, सब ठीक हो जाएगा। सच? तो क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? हाँ लाल, आजादी के बाद हमारा पहला कर्तव्य ये बनता है कि हम प्रदेश की समस्याओं को एक एक करके सुलझाएं। सर, हमारे सामने दो बड़ी समस्याएं हैं, कृषि और शिक्षा। इसके बिना हम प्रदेश के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जिस देश के किसानों की समस्याएं खत्म नहीं होंगी वो देश आत्मनिर्भर कभी हो ही नहीं सकता। खैर, सीबी गुप्ता के साथ संसदीय सचिव में तुमने बहुत अच्छा काम किया है, उसी के फलस्वरूप तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी लाल कि पुलिस और परिवहन जैसा महत्वपूर्ण विभाग तुम्हें सौंपा जा रहा है। पंत जी, मैं आपको अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ। आप जो भी जिम्मेदारी मुझे सौंपेंगे मैं उसे पूरे मन से निभाऊंगा। मुझे तुमसे यही आशा थी लाल, जीते रहो। मैं ये मानता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई घटना में पुलिस ने बड़े ही साहस का परिचय दिया।
और छात्रों के उग्र होने पर भी पुलिस ने अपना संयम नहीं खोया। हम ये बताना चाहते हैं कि अब समय आ गया है अंग्रेजों वाली अफसरशाही को छोड़कर एक सहयोग वाली पुलिस का चेहरा सामने लाया जाए। धन्यवाद। राजेंद्र बाबू, आप किस सोच में डूबे हैं? मैं जानता हूं आपने अकारण ही मुझे दिल्ली नहीं बुलाया होगा। आज मेरे मन में कई बातें हैं, कुछ पुरानी कुछ नई। बापू मुझे नीलकंठ कहा करते थे। आज मुझे बापू की बड़ी याद आ रही है। वो सबको एक साथ कर लिया करते थे, चाहे कितने भी मतभेद क्यों ना हो। लाल, ये तो तुम जानते ही हो, देश की आजादी के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ा, और अब देश आजाद होने पर हम सबका यही उद्देश्य होना चाहिए कि देश की प्रगति के लिए हर वो मुमकिन रास्ता अपनाएं जो जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा मालूम होता है आप किसी बात से दुखी हैं। लाल, तुम्हें तो ज्ञात ही है पंत जी और नेहरू भाई दोनों मेरे लिए पूजनीय हैं, पर दोनों में काफी मतभेद है। हाँ, इधर दोनों में मतभेद भी काफी उग्र हो गए हैं। हाँ, इसी का नतीजा है कि पंत जी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद त्याग दिया और नेहरू जी नए अध्यक्ष बन गए। मैं स्वयं ये जानकर बेहद आहत हूँ। मैं जानता हूँ दोनों ही देश की भलाई चाहते हैं। हाँ, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि सबको लगे आजादी के बाद हम सबकी एकता खत्म हो गई और हम आपस में ही लड़ रहे हैं। नेहरू भाई के अध्यक्ष बनने के बाद अब ये सवाल उठता है के कांग्रेस का महामंत्री कौन बने। बीसी रॉय और हमारी सबकी यही राय है कि इस पद के लिए तुम सबसे उपयुक्त हो। तुमने नेहरू भाई और पंत जी दोनों के साथ काम किया है और दोनों तुम्हें बहुत चाहते हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप केंद्र में क्यों नहीं आना चाहते हैं, पर आप यहां रहकर अपने देश के विकास में ज्यादा योगदान दे सकते हैं। लेकिन मैं गांव का आदमी हूं और किसानों की सेवा करना चाहता हूं। लेकिन आज आपकी आवश्यकता किसान भाइयों के साथ देश के हर वर्ग को है। कहीं आपकी चिंता का कारण पंत और टंडन जी तो नहीं? नहीं नहीं नेहरू जी, ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूं कि ऐसी अफवाह है कि आप दोनों में वैचारिक मतभेद हैं, परंतु टंडन जी हमेशा आपकी तारीफ करते हैं। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। इस देश को आगे ले जाने के लिए दो अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। वैसे पंत जी कैसे हैं? अच्छे हैं वो, हमेशा आपसे जुड़ी हुई संगठन की बातें याद करते हैं, आपकी बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा पंडित जी, आज्ञा दीजिए, आपने जो मुझे दिल्ली आने की जिम्मेदारी सौंपी है उस पर मैं अवश्य विचार करूंगा। नमस्ते। मैं तो सोचता था कि पंत जी मेरे विचारों की वजह से मुझसे नफरत करते हैं। खैर, जो भी हो,
मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। अरे चलो पीछे चलो, पीछे पीछे। अरे कहाँ? बाहर जा रहा हूँ। मंत्री जी निकलने वाले हैं, जब तक मंत्री जी निकल नहीं जाएंगे तब तक कोई बाहर नहीं जाएगा। चलो किनारे आराम से खड़े रहिए, आराम से। अरे अरे सुनिए तो सही, आइए आइए। अरे थोड़ा पीछे हटो तुम। अरे मंत्री जी नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद धन्यवाद। अरे बस बस बस, और सुनाइए राजनीतिक। मंत्री जी माफ कीजिए, हम पहचान नहीं पाए आपको। तुम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। लाल बहादुर जी कैसी बातें कर रहे हो? जो हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं जानता हूं इस दुर्घटना ने तुम्हें आहत किया है। तुम ही नहीं हम सब आहत हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं। मैं तो इन्हें समझा समझा कर थक चुका हूं। आप दोनों ही लोग मेरे लिए पूजनीय हैं और अनुभवी भी, लेकिन आसिलूर में रेल दुर्घटना में जो 144 लोग मारे गए हैं उसका जिम्मेदार रेल मंत्री होने के नाते सिर्फ मैं हूं। लाल तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? तुम दोषी नहीं हो। मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं कर सकता। मेरी आत्मा अब ये गवाही नहीं देती कि मैं इस पद पर और आगे बना रहूं। जवाहर, मुझे लगता है इस पद पर बने रहने का फैसला लाल के विवेक पर ही छोड़ देना चाहिए। लाल, अब मुझ में शक्ति नहीं रही। मैं नेहरू से कहूंगा कि अब मैं किसी भी पद पर नहीं रहना चाहता। वैसे भी मेरी नेहरू से कभी नहीं बनी, उसने हमेशा मेरा विरोध किया है। ऐसी बात नहीं है पंत जी, मैं उनसे जब मिला उन्होंने आपको अपना आदर्श बताया और ये भी कहा है कि उन्होंने आपके साथ आजादी के संघर्ष में काफी सारा वक्त साथ बिताया है। पंत जी आप लेटे रहिए। पंत जी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अब आप बूढ़े हो गए। अरे तू तो अभी भी जवान नजर आते हो। सच में पंत जी, आपकी बीमारी से भले ही दुखी हूं पर आप दोनों मेरे पूजनीय हैं। आप दोनों को साथ देखकर मैं बेहद प्रसन्न हूं। ये क्या? मैं तुम्हारी दशा देखकर बेहद चिंतित हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें बाबूजी से कितना गहरा लगाव था। इंदु,
तुम एक ऐसे परिवार से हो जिसके एक एक सदस्य ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। अपने शोक को भुलाकर देश की सोचो। अगर इस वक्त तुम यूं शांत हो गई तो ये देश बिखर जाएगा जिसको एक लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली है। नमस्ते इंदु। प्रधानमंत्री बनने की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद इंदु। मैं जानता हूँ कि तुम कोई भी प्रभार लेना नहीं चाहती थी और मंत्रिमंडल में अपना नाम सुनकर तुम्हें आश्चर्य भी हुआ होगा। जी। लेकिन इस वक्त तुम्हारा मंत्रिमंडल में शामिल होना ही ठीक रहेगा। मैं तुम्हें सूचना प्रसारण का प्रभार देने की सोच रहा हूँ। उसकी कोई खास वजह? देश में कई समस्याएं हैं जिनका हमें पता ही नहीं चल पाता। सूचना प्रसारण व्यवस्था को मजबूत करने से इन समस्याओं को मूल रूप से समाप्त किया जा सकेगा, क्योंकि इस विभाग के पास सारी जानकारियां आती रहती हैं। प्रधानमंत्री के रूप में मेरे ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं, शायद मैं उस ओर पूरा पूरा ध्यान न दे पाऊं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम समय समय पर मेरा ध्यान समस्याओं के प्रति अवगत कराती रहोगी। विजयदशमी की आपको बधाई। आपको भी बधाई। आप सभी को विजयदशमी की बधाई। आपको भी। इस विजयदशमी के शुभ अवसर पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हम रहें या ना रहें, हमारा झंडा रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हमारा झंडा रहेगा। आप और हम रहें या ना रहें, भारत का सिर ऊंचा होगा। भारत दुनिया के देशों में एक बड़ा देश होगा और शायद भारत दुनिया को कुछ दे भी सके। हमारी सरकार एक नई सामाजिक व्यवस्था के लिए सतत प्रयासरत रहेगी। संपदा पर कुछ लोगों का एकाधिकार खत्म होगा। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक नई रणनीति तैयार की जाएगी जिससे देश की सुरक्षा क्षमता बढ़ाने, गरीबी, बेकारी, महंगाई इन सब पर काबू पाने में कामयाबी मिल सकेगी। हमारा देश किसी शक्ति गुट में शामिल नहीं होगा बल्कि सभी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेगा। भाई साहब जी, आज बच्चों को आप कॉलेज छोड़ाइए। ललिता, आज पीएम हाउस की गाड़ी की आवश्यकता क्यों पड़ी? दरअसल आज घर में पूजा थी इसीलिए देर हो गई। वो आपकी समस्या है, देरी आपने की है। पीएम हाउस को क्यों पीसा? आपको मालूम है ना कि मैं निजी कामों के लिए पीएम हाउस की किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करता। फिर भी? लेकिन कारण? कारण जो भी हो, आप इन्हें साधारण बस से भेजिए। आप जाइए, हमें जब भी जरूरत होगी हम आपको बुला लेंगे। जी। वो बाबूजी, कुछ किताबें खरीदनी थी, पैसे चाहिए थे। माँ। हाँ नन्ही। मेरी कलम टूट गई। कलम टूट गई है? माँ। हाँ? मेरे पास किताब भी नहीं है। मुझे किताब नहीं चाहिए।
अभी मेरी तनख्वाह नहीं आई, उसमें देर है जरा, आने पर दे दूंगा। लेकिन बाबूजी उनकी बेहद जरूरत थी। तब तक आप किसी पुस्तकालय या किसी मित्र के यहाँ पढ़ लें। अब आप लोग स्वयं बस पकड़ने जाएं। अब तो आप प्रधानमंत्री हो गए हैं, फिर हमारे बच्चे ऐसे बस में सफर करें, क्या शोभा देगा? देश के लिए सब एक समान हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के बच्चे हों या किसी आम नागरिक के। ललिता, एक बात और, देश में खाद्यान्न संकट चल रहा है और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वो एक हफ्ते में एक दिन का उपवास रखें, जिससे अन्न का दबाव कुछ कम हो। और इसकी शुरुआत मैं अपने घर से करना चाहता हूँ, तो आज से हफ्ते में एक दिन पूरा घर उपवास पर रहेगा। आज देश जिस कठिन परीक्षा से गुजर रहा है, आप सब उस हालात से परिचित हैं। हमें आपकी वीरता पर गर्व है और पूरा विश्वास है कि हम इस युद्ध में विजयी बनकर उभरेंगे। पाकिस्तान के इरादे नेक नहीं हैं। वो बलपूर्वक हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहता है, अपने आधुनिक हथियारों के बल पर हमें भयभीत करना चाहता है। वो छल कपट का सहारा ले रहा है। हम शांति के प्रतीक हैं, पर अपने देश की आन पर बनाने पर उन्हें दिखा देंगे कि हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। युद्ध भयानक होता है, पर उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम उनके घर में घुसकर उन्हें पराजित करेंगे। जय हिंद। ये आकाशवाणी है। अब आप राजेश ज्वारी से समाचार सुनिए। झंब चौकी पर जोरदार लड़ाई चल रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों से लैस सेना को अपनी वीरता और बहादुरी से जबरदस्त टक्कर दी है। इस हमले से बने हालात पर प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, उनके सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस थे, लेकिन हमारे सैनिकों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस युद्ध में विजय हमारी ही होगी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, फिर भी अनाज के मामले में हम बाकी देशों से काफी पीछे हैं। अपनी जरूरत भर का अनाज पैदा करना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना देश की सुरक्षा। अनाज के लिए बाकी देशों के सहारे रहना न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बुरा है, बल्कि इससे हमारे आत्मविश्वास और स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचती है। हमें अपने पैरों पर खड़ा रहना है। आज अनाज का मोर्चा भी लगभग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना फौजी मोर्चा, पर इस मोर्चे पर आप किसान भाइयों को लड़ना होगा। उस मोर्चे पर जवानों की जय हुई है, यहाँ आप किसान भाइयों को विजय प्राप्त करनी होगी। जय जवान जय किसान के नारे से ही देश की प्रगति संभव है। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। युद्ध में शानदार विजय हासिल करने के बाद शास्त्री जी शांति के समझौते के लिए ताशकंद रवाना हुए, ये संदेश लेकर कि भारत युद्ध का पक्षधर नहीं है। तभी पाकिस्तान को युद्ध में हराने के बावजूद शांति के समझौते के लिए तैयार हो गया।
جنگ خطرناک ہوتی ہے، اس کا انجام بھی یقیناً برا ہوتا ہے۔ ہم بھارت سے ہمیشہ اچھے رشتے چاہتے ہیں، اور ابھی جو یدھ کے کارن من مٹاؤ ہوا ہے اور اسے دفن کر ایک نئے رشتے کی بحالی چاہتے ہیں۔ تھینک یو۔ بھارت کی جیت کی مہان گاتھا اہنسا کے راستے لکھی گئی ہے۔ اس کی نیو گاندھی جی اور نہرو جی جیسے مہان نیتاؤں نے رکھی ہے۔ ہم آج بھی ہر ہنسا کے ورودھ میں ہیں، پر جب بات ہوتی ہے دیش کی سرکشا کی، اکھنڈتا کی، تو ہم اپنی رکشا کرنے میں پوری طرح سکشم ہیں۔ ہم پڑوسی سے اچھے سمبندھ چاہتے ہیں، ان پر قبضہ کرنا ہماری نیتی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم وجے پراپت کرنے کے بعد بھی سمجھوتا کرنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ مانا کہ اس وقت ہمارے رشتے بہتر نہیں ہیں، پر ہم شانتی اور میل کے ساتھ نیائے اور آتم سمان کے آدھار پر ان سمسیاؤں کو سلجھانے کا پریتن کریں گے۔ جائے ہند۔ تاشکند سمجھوتے کے بعد شاستری جی ایک وجیتا بن کر باہر نکلے۔ سمجھوتے کے بعد وہ بے حد خوش تھے۔ آج میں بے حد خوش ہوں، اور ایسی خوشی بار بار ملتی رہے۔ پرنتو ایشور کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ بھارت لوٹیں کہ اس سے پہلے ہی ایشور نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ ہردے گھات نے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ سادگی، ایمانداری اور سہنشیلتا کا پریچائک جائے جوان جائے کسان کے نعرے کے ساتھ ہمیشہ ہمارے بیچ رہے گا۔ ہم رہیں یا نہ رہیں، ہمارا جھنڈا رہنا چاہیے، یہ دیش رہنا چاہیے۔ بھارت کا سر اونچا ہوگا، بھارت دنیا کے دیشوں میں ایک بڑا دیش ہوگا، اور شاید بھارت دنیا کو کچھ دے بھی سکے۔ ہم پر چاہے کچھ بھی بیتے، پر دیش کا سمان صدا بنا رہے۔ ہمیں آتم نربھر اور شکتیشالی دیش بنانا ہے جو بن کر رہے گا۔ جے ہند۔ چمن سارے جہاں سے اچھا ہے، دیکھو ہمارا یہ وطن۔ مات پتا اور گرو کا ہوتا ہے یہاں سمان، ہندو مسلم سکھ عیسائی کا یہ دیش مہان۔ لیکن نئی امنگیں، لیکن نئی امنگیں بھر کے جوش دل میں شان سے سج کے چلی ہے بھارت ماں، سج کے چلی ہے بھارت ماں۔ دیش پریم کے گہنوں سے سج کے چلی ہے بھارت ماں۔ کس دشمن کی مجا، سرحد پہ تعینات ہیں ہر پل بھارت ماں کے لال۔ دیش بھکت ویروں سے بھری ہے بھارت ماں کی جان، ہنستے ہنستے کھاتے ہیں
फौजी अपने सीने पे गोली। याद शहीदों की दिल में सजाए, सज के चली है भारत माँ, सज के चली है भारत माँ, सज के चली है भारत माँ।